नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन लौट आया है। 31 मार्च तक के लिए सूबे में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो वहीं पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। और इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले 3 T20 मैच अब बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया है। तो वहीं गुजरात के कई इलाकों में खाने पीने की चीजों वाली दुकानों को 10 बजे तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 15,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 48 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई। तो वहीं गुजरात में कोरोना के मामलों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में यहां पर 890 नए मामले सामने आए हैं। 594 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि एक की मृत्यु हुई। और इसके साथ ही अहमदाबाद में कोरोना के चलते भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच T20 के 3 मुकाबलों को बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर कोरोना के मामलों की अगर बात की जाए तो यहां थोड़ी राहत भरी खबर है। 4 दिन के बाद राज्य में कोरोना के रोजाना के आंकड़े 400 के नीचे आए हैं। हालांकि यहां सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी 2,300 के पार है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कोरोना के मामले थोड़े से हम कह सकते हैं कि उस रुके हुए हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के चलते कोरोना के मामले यहाँ पर उतने भयावह नहीं है जितने महाराष्ट्र में है। और अगर उत्तराखंड की बात कर लें, जहाँ पर कुंभ शुरू हो चुका है, उसके तहत कोरोना के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, उन गाइडलाइंस को हटाते हुए नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जिनसे भी बात करनी होगी मैं कर लूंगा, और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप सिर्फ किताबी बातें कीजिए, हम जनता के चेहरों को देखकर आगे का काम जारी रखेंगे। और उन्होंने कुंभ में सभी प्रकार की कोरोना को लेकर जो सख्ती है उसे हटा दिया है। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले धीरे धीरे तेजी पकड़ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए थोड़ी सख्ती अब यहां पर वापस से की जा रही है। कई जगह महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है, कई और जगह की तैयारियां यहां पर की जा रही है। और बीते 15 दिन में 3 लाख नए कोरोना के मरीज मिले हैं, 1,700 ने जान गंवाई और इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 54,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां से हमारे संवाददाता रहमत उल्ला खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रहमत, देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, और खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर स्थिति वापस से चिंताजनक हो रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में वापस से लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो आज कोरोना के मामले थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी 400 मरीज रोज मिल रहे हैं। और साथ ही साथ राजस्थान की अगर बात करें तो यहां भी स्थिति अभी भयावह श्रेणी में नहीं आई है, लेकिन फिर भी कोरोना के मामले राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं। राजस्थान से क्या कुछ रिपोर्ट आपके पास है रहमत? देखिए, अगर राजस्थान की कोरोना की रिपोर्ट बात करें तो पिछले 4 दिनों में लगभग 200 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। रविवार को 50 के करीब राजधानी जयपुर में और कई उदयपुर में, राजस्थान के विभिन्न जिलों में जो संक्रमण के केस है वो सामने आए, यानी एक प्रकार से फिर एक बार फिर से कोरोना जो लौट चुका है। कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये लगातार संक्रमण की बीमारी ये बढ़ती जा रही है। और पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, तो राजस्थान में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन फिलहाल राजस्थान सरकार पूरी तरह से लगातार डेली की मीटिंगें ले रही है, डेली की जो है किस तरीके से अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मीटिंग ले रहे हैं कोविड को लेकर के। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हालांकि संक्रमण कम भले आया, लेकिन स्थितियाँ वो बहुत ही खराब चल रही है। महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ के लिए जो सरकार ने अपनी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब मीटिंग ली तो उस दौरान साफ कहा था अगर लोग अपना बचाव नहीं करते हैं, जो कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं करते हैं, तो सख्ती बरती जाएगी। विभिन्न राज्यों में सख्ती है, चाहे गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की, राजस्थान में
जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए, जैसे महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात से आने वाले लोग को नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है, ये जो है नए नियम है वो पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने लगा दिए थे और महाराष्ट्र सरकार ने भी इस तरह के नियम लगाए, यानी पूरे देश भर में कोरोना एक बार फिर से वापस जो बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूर जनता को आवश्यकता है मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें, दूरियां रखें, जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वो कम किए जाए, वहां पर ज्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की जो गाइडलाइन है वो कोरोना की गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करनी चाहिए। सरकार है सख्त है, सभी सरकार सख्त है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्यों की बात करें, ऐसा नहीं है कि कोरोना को लेकर के सख्त नहीं है, लेकिन लेकिन अगर जनता बाहर नहीं जाएगी, कामकाज नहीं करेगी, तो अपना गुजर बसर कैसे करेगी, आर्थिक स्थिति, देश के आर्थिक हालात है वो खराब हो चुके हैं। पहले पिछले लॉकडाउन की, पिछले साल के लॉकडाउन की बात करें तो उस वक्त जो लॉकडाउन लगा था उस लॉकडाउन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो है अर्थव्यवस्था ग्राफ वो नीचे गिर गया, लोगों का जीवन है, जीवन यापन करने की जो गुजर बसर करने की जो धंधे है वो ठप हो चुके हैं। अब वापस से जैसे शुरू हुआ, वापस से कोरोना ने अपना जो पैर वापस से जमा दिया, तो ये इस हालात में भी जनता बहुत परेशान है, अब क्या किया जाए आखिर, लेकिन गुजर बसर करने के लिए व्यापार धंधे अगर बंद करेंगे तो फिर गुजर बसर कैसे करेंगे, लेकिन इस बीच में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज, यानी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालना करना बेहद जरूरी है। उमंग, जाहिर सी बात है, जहां अभी आपने भी बताया और तमाम जगह से हमारे पास खबरें भी आ रही हैं, प्रशासन तो अपने स्तर पर सभी तैयारियां कर रहा है वापस से, और प्रशासन ने जनता को भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि सख्ती वापस से की जाए, लॉकडाउन की ओर वापस बढ़ा जाए, इसलिए जनता की भी यहां पर जिम्मेदारी बनती है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जनता की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, प्रशासन हो, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, सख्ती से वापस अगर सख्ती लगा दी जाएगी तो फिर जनता खुद मारी जाएगी, जनता बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, सख्ती नहीं लगाई जाए इसके लिए चेतावनी दी है, तो जनता को खुद को ध्यान रखने की आवश्यकता, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, डिस्टेंसिंग रखें, भीड़भाड़ इलाके नहीं करें, जहां शादियां हो रही है या फिर कार्यक्रम, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं वहां कम लोगों को बुलाया जाए, ताकि जो ये कोरोना जो फैल रहा है ये इससे रोका जा सके, सरकार की मदद करें, प्रशासन की लोगों को मदद करने की आवश्यकता है कि लोग मदद करें, ताकि कोरोना को जिस तरीके से पिछले दिनों कोरोना की रेट जो ग्राफ रेट कम हुआ था उसी तरह वापस कम हो जाए। बाहर देशों की बात करें, बाहर कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसे स्थितियां राजस्थान में कि पूरे देश भर में पैदा नहीं हो, लोगों को इस तरीके सावधानी बरतने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, और जिस तरीके से पिछले दिनों में जो राजस्थान सरकार हो चाहे अन्य सरकार है, अपने अपने केंद्र अधिकारियों को मीटिंग ले रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, हमारे साथ में डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए के। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी। नरेश जी, देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी यहां पर दिखाई दे रही है, और खासतौर से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, कई जिलों में लॉकडाउन वापस से लगा दिया गया है, सख्ती वापस से देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां आज के मामले थोड़े कम है, लेकिन पुराने कुछ दिनों की हम बात करें, पिछले कुछ दिनों की, तो कोरोना के मामले यहां पर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्ती वापस से करनी चाहिए, या फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ना चाहिए, या फिर नाइट कर्फ्यू की ओर जाना चाहिए? नरेश जी, मैं स्पष्ट कहूंगा ये बहुत ही चिंता का विषय है जी। ये पिछले 3-4 हफ्तों से हमारे इंडिया में भी देखा जा रहा है और पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो पिछले 2-3 महीने से देखा जा रहा है। दिसंबर में भी पूरा लॉकडाउन था, यूरोप में न्यू ईयर इवन या क्रिसमस डे नहीं मनाए गए थे, उन लोगों ने सख्तियां कर दी थी। हमें इस बात से हम वाकफ हैं कि 3 नई कोरोना की जो स्ट्रेन्स हैं, जो उनके म्यूटेंट्स हैं, एक इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ है, एक ब्राजील से और एक साउथ अफ्रीका से। लेकिन जहां तक इंडिया की स्थिति को आंका जाए तो जब से लॉकडाउन हुए थे जून जुलाई ऑन जी, जी नरेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? और मैं कहूंगा उसका सिर्फ एक ही है कि उससे जो नुकसान हुआ, लोग बिल्कुल ही बेपरवाह और लापरवाह हो गए हैं, और उससे नुकसान ये हो रहा है
कि एटलीस्ट इंडिया के चार पांच राज्यों में, जिसमें सबसे वन नंबर पे महाराष्ट्र है जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 केस डेली हो रहे हैं, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला और ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कि हम इतने ज्यादा केसेस देख रहे हैं कि अब डर लगने लग गया है कि ये भरमार दूसरे प्रदेशों में कब स्टार्ट हो जाएगी। जी, दिल्ली में आज से तकरीबन आई वुड से ओनली वन मंथ बैक हमारे केस 100 से नीचे आ गए थे, अब वो दोबारा से 400 से ऊपर चले गए हैं और डेली कुछ मुझ चल रही है। वो ये हम नहीं कहेंगे कि टेस्टिंग नहीं चल रही है, टेस्टिंग अच्छी चल रही है, वो आरटीपीसीआर वाली अच्छी टेस्टिंग ही चल रही है, लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को एक ही बात कहूंगा, जो गलती चल रही है, देखो कोरोना हमारे हाथ में नहीं है, कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसका बिहेवियर इतना अनटूवर्ड है, वो कब अपने आप को बदल सकता है, कब वो जो वैक्सीन हमारे देश में चल रही हैं, जिसका भी जिससे हम इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, उसको क्रॉस कर सकता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन एक चीज हमें मालूम है, वो है हमारा सोशल बिहेवियर। तो इफ ओनली हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के लोग, जिस राज्य के लोग, हर राज्य के लोग अपने अगर बिहेवियर को ठीक कर लें, तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन जैसी सख्ती या कर्फ्यू टाइप सख्ती की या नाइट कर्फ्यू जैसी सख्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोबारा कहूंगा, जो हम देख रहे हैं हर जगह पे भीड़ भाड़ दोबारा से वैसी शुरू हो गई है, चाहे वो पॉलिटिकल रैलीज हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम्स हैं, चाहे सोशल गेट टुगेदर्स हैं, शादियां हैं, दूसरे फंक्शंस हैं, या लोगों का मार्केट्स में, ऑफिस प्लेसेस में ऐसी भीड़ भाड़ शुरू कर दी गई है, ये कब एक छोटा सा चिंगारी आग बन जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्च में ऐसे ही हुआ था, छोटी सी चिंगारी थी, वो बढ़ते बढ़ते एकदम बढ़ती चली गई। तो हमारे हिसाब से प्रशासन को सख्ती करके लॉकडाउन ना लगाना पड़े, उसके लिए अत्यंत जरूरी है कि जो लोग जन है, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, जो देश की जनता है, उनको ये मैसेज समझ आ जाए, वो अपने आप से जो कोरोना का प्रोटोकॉल है या कोरोना का डिसिप्लिन है, जिस तहत वही पांच चीजें जो सबसे जरूरी हैं, अपने घर से जबरदस्ती बाहर मत निकलिएगा, जितना हो सके घर के अंदर रहिएगा, जाना जरूरी है ऑफिस में जरूर जाइएगा, ऑलवेज विद मास्क घर छोड़िएगा तो मास्क लगा के जाइएगा, भीड़ भाड़ करिएगा भी नहीं और भीड़ भाड़ में जाइएगा भी नहीं, और जो हैंड वॉश या सैनिटाइजेशन जो ये कुछ जरूरी चीजें हैं ये अवश्य अपनाई जाएं। ऐसा होगा तो मैं समझता हूं जो खतरा हम सब देख रहे हैं, न केवल आम जनता महसूस कर रही है, आप मीडिया के लोग महसूस कर रहे हो, इवन हम जो मेडिकल वर्ल्ड के लोग हैं ये महसूस कर रहे हैं, ये बम्ब कब फटेगा या नहीं फटेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर हम ये सावधानियां बरत लेंगे तो हम काफी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, जाहिर सी बात है जब से हम लॉकडाउन के बाद में अनलॉक के फेज में आए हैं और जो सख्तियां जो प्रशासन की तरफ से लगी हुई थी वो हटी हैं, उसके बाद से ऐसा लग रहा है, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि लोग अब बेपरवाह हो चले हैं, और कई जगह ऐसा देखा गया है, भले कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी जिला हो, वहां पर लापरवाही इतनी बरती जा रही है कि अब कोई भी कोरोना को गंभीरता से ले नहीं रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो मानो जैसे सब भूल गए हों, और सैनिटाइजेशन की तो आप बात ही छोड़िए, और मास्क भी जहां ज़रूरी है, जहां पे लोगों को लगता है कि यहां पर अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो चालान हो सकता है, तो सिर्फ उस जगह वो मास्क लगा रहे हैं, बाकी मास्क भी अब सिर्फ जेब की ही शोभा बढ़ा रहा है। हमारे साथ में उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, नरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और जयपुर से संवाददाता रहमतुल्ला खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी आपका रुख करूंगा, उससे पहले नरेश जी आपके पास आना चाहूंगा, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन के बाद, जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि लोग लापरवाह हो चले, क्या लगता है आपको कि लोगों को वापस से जो कोरोना की गाइडलाइंस जो पूर्व में थी, लॉकडाउन के समय थी, क्या वो गाइडलाइंस वापस से अपनानी चाहिए और उसी प्रकार की सख्ती अब प्रशासन को भी दिखानी होगी? जनता ठीक है, जनता के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन को भी, तमाम राज्यों में केंद्र सरकार को भी अब वापस से उस सख्ती का छोटा सा एक प्रतिशत जरूर वापस से देश में लगाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे नरेश जी? देखिए मैं बता दूं, जो वैक्सीनेशन है वो हमारा एक बचाव है, अभी तक कुल मिला के हम 3,15,20,00,000 वैक्सीनेशन कर पाए हैं, विच इज नॉट इवन, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ऑलमोस्ट 2% भी नहीं बनता जी, तो हमारी देश की पॉपुलेशन का, हम दिल्ली की देखें
तो हमें आज ही पढ़ा है कि दिल्ली की हार्डली 3% जनता वैक्सीनेशन लगवा पाई है, और जो वैक्सीनेशन लगा है उसका अभी पूरा कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ। नॉर्मली वैक्सीनेशन लगने के 45 दिन बाद हम उम्मीद करते हैं कि इम्यूनिटी आ गई होगी, क्योंकि उसमें भी इफ एंड बट अभी है। इफ एंड बट का मतलब कि वैक्सीन की एफिकेसी 70% है या 80% है। जब तक 70% जनता को इम्यूनिटी या तो कोरोना होके हो जाए या वैक्सीन लगने के बाद हो जाए, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है, तो एटलीस्ट हम वैक्सीन अलोन से कोई जन सोचे कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है मैं तो बच गया, तो ये सोच गलत है जी। तो अभी जो एक शब्द पहले निकला था पीएम ऑफिस हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो दवाई यानी कि वैक्सीनेशन फॉर्म में जो बचाव चल रहा है जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, वो उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 महीनों में हम 30 करोड़ जनता को हम वैक्सीनेशन लगा पाएंगे, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन है और हमारी कोशिश है, लेट्स सी ये कितनी कामयाब होती है जी। दूसरा वर्ड आ गया कड़ाई। कड़ाई का मतलब आज की तारीख में हमारे देश के लोगों को इस सख्ती को एक सख्ती ना समझ के एक जीवन शैली बनाना चाहिए, जरूरत बनाना। कई देशों में देखा है पर्टिकुलरली जापान में तो मैंने खुलेआम देखा है वो वैसे ही इस्तेमाल करते, अपनाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि हम कहें हमारे देश की जनता बहुत ज्यादा है लोग क्या करें, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक अनुशासन, एक हाइजीन और एक कोरोना प्रोटोकॉल, मेरे हिसाब से ये सोचना कि लोग कहीं ये सोचना शुरू करते हैं जैसे बीच में सुना गया था कि लॉकडाउन फटीग हो गया है, लोग घर बैठ बैठ के थकते हैं, तो ये सोच थोड़ी सी आज के तारीख में गलत है। 1910 में जब स्पेनिश फ्लू आया था उसको जाते जाते ऑलमोस्ट 2.5 साल लग गए थे और 10 करोड़ लोग मर गए थे। उस हिसाब से हम अपने जो मेडिकल सेवाएं हैं, जो डॉक्टरी सेवाएं हैं, पहले से बेहतर हुई हैं। हमारे देश में अभी तक इन्फेक्शन हार्डली 1,15,00,000 हो पाया है और डेथ्स हार्डली 1.55 लाख हैं, तो दैट मीन्स कि हमने अपने आप को संभाल लिया है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं एक अच्छी जीवन शैली अपनाना जिसके तहत लोगों को इस चीज की आदत पड़ जाए कि भीड़ भाड़ हमें कम करनी है, हमें मास्क जरूर पहनना है, हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना है या साबुन और पानी से धोना है। ये 3-4 और जबरदस्ती भीड़ करनी भी नहीं है और भीड़ में घुसना भी नहीं है। अगर ये 4 आदतें मेरे हिसाब से हमारे देशवासी अगर अपनी विलिंगली अपनी मर्जी से कर लें तो हम कोरोना से भी बचेंगे और प्रशासन को और देश की सरकार को कोई सख्त कदम कर लॉकडाउन टाइप वाला जिसके अपने हजारों लाखों नुकसान दूसरे हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कोरोना के लॉकडाउन जब लगा था उस समय जो गाइडलाइंस जारी की गई थी वो सभी गाइडलाइंस अब जनता को वापस से माननी होगी, और अब ये जैसा कि आपने भी कहा कि इसे सख्ती ना समझ के इसे ज़रूरत मान लेना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय यही ये 4 गाइडलाइंस है, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, और सबसे बड़ी बात जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोरोना का वैक्सीनेशन हम करवाएं उतना ही ज़्यादा हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और हमारे देश के लिए ज़रूरी है। फिलहाल नरेश जी आप हमारे साथ में, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी की। और गौरव जी, देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में कुंभ शुरू हो चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो सख्त गाइडलाइंस जारी की गई थी कुंभ के लिए नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने वो हटा दी हैं, और उनका साफ तौर से कहना है कि अधिकारियों को कि आप लोग किताबें पढ़िए, मैं जनता के चेहरे देखूंगा, साधु संतों की जो मान्यता है, धर्म जो उनका कहता है 12 साल में एक बार कुंभ आता है, मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हुई थी, आपने ये भी बताया था कि मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मैं बात कर लूँगा, जो डांट खानी होगी वो मैं खा लूँगा, लेकिन 12 साल में एक बार आने वाले इस कुंभ को हम कोरोना के चलते बर्बाद नहीं होने देंगे। गौरव जी, देखिए उमंग, जिस तरीके से बिल्कुल आपने गागर में सागर भर दिया, बिल्कुल यही संदेश तीरथ सिंह रावत पिछले 5 दिनों से दे रहे हैं, लगातार फुल एक्टिव एक्शन मोड में तीरथ सिंह रावत दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने दिल जीतने का काम शुरू किया है।
अगर मैं बात करूं, पिछले एक साल ने कोरोना ने लोगों को मायूस किया। साधु संत एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हरिद्वार में महाकुंभ का स्नान करेंगे। पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि पर सब लोग देख चुके हैं कि किस तरह की भीड़ जुटी, और ऐसा कोई खास बड़ा खतरा नहीं देखा गया महाकुंभ में, खासकर महाशिवरात्रि के शाही स्नान को लेकर। उमंग जी, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, अगर हम डर के साए में, डर के चीज़ों में डरने को मजबूर हो जाएं। तीरथ सिंह रावत का जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि देवभूमि में कोरोना कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया, और मौजूदा समय में ये बड़ी प्रायोरिटी है कि साधु संत हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, हमारे श्रद्धालु हैं, और कुंभ का किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ एक ऐसी आस्था है जिसमें लोग खुद जो है ओत प्रोत होकर आते हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यहाँ जो है महाकुंभ होना है, और महाकुंभ के जो 3 शाही स्नान हैं वो हैं 12, 14, 27 अप्रैल। तो ऐसे में अगर हम SOP के सहारे रहे तो आप ये समझ लीजिए कि हमें बड़ी तादाद में टेस्ट करने होंगे, बड़ी तादाद में रिपोर्टर्स को चेक करना होगा। और जहाँ तक सरकार अब ये मानकर चल रही है, अधिकारी लगातार तीरथ सिंह रावत को ये चेता रहे हैं कि साहब आप एक बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं, केंद्र सरकार की नाराजगी आप झेल सकते हैं, और केंद्रीय जो प्रोटोकॉल हैं, जो SOP हैं, उनको उनकी नाराजगी आप झेल सकते हैं। तो कल मैं आपको बता दूं कि तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय की बैठक में साफ तौर पर कह दिया अधिकारियों से कि आप लोगों की पेशी नहीं होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आगे, प्रधानमंत्री के आगे मेरी पेशी होगी, मैं डांट खा लूँगा, और अपनी एक तरीके से जोखिम लेनी बात है, यह कहना चाहिए खुद की गारंटी लेने की बात है कि मैं जिस भरोसा करता हूँ, आस्था पर भरोसा करता हूँ, चीज़ों पर भरोसा करता हूँ, कोविड नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उमंग जी, आपको मैं कुछ आंकड़े समझाता हूँ। इस समय कोरोना के उत्तराखंड में अब तक जो टोटल मामले आए वो 97,866 आए, जिसमें 94,168 लोग स्वस्थ हो गए। करीब करीब वर्तमान में 581 मामले हैं जो इस समय एक्टिव हैं, और पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो 60 नए मामले आए हैं। इन 60 नए मामलों में देहरादून मसूरी में सबसे ज़्यादा मामले आए, और ये कारण हुआ कि वहाँ पर अधिकारियों ने मुख्य सचिव के दिशानुसार मसूरी, जहाँ की पर्यटक सबसे ज़्यादा आता है, वहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति कर दी है। पर्यटकों को ज़्यादा आवाजाही के लिए बंद किया गया है, आम जिंदगी को वहाँ समान रखा गया है। तो कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोरोना के नंबर्स आए हैं। हरिद्वार में 10 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। तो अब एक लो और आपको देखना है कि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, एक और 10 या 12 या 14 जैसे नंबर आ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार रिस्क उठा सकती है, यही कारण है कि तीरथ जी ये कह रहे हैं कि डांट मैं खा लूँगा, आप किताबें पढ़िए, मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा, मैं साधु संत। आप ये देखिए, अभी 5 दिन का अगर मैं कैलकुलेशन आपको बताऊं तो 5 दिन में 3 दिन हरिद्वार हो आए हैं तीरथ सिंह रावत, चाहे वो अधिकारियों से मिलना हो, महामंडलेश्वरों से मिलना हो, जूना अखाड़े के लोगों से मिलना हो, फूलों की वर्षा करानी हो। तो दिलों को जीतने का काम शुरू हुआ है, मगर डर एक ये है कि कोरोना जैसी जो बीमारी है, दिल जीतने के साथ साथ जानलेवा है। तो क्या इसको लेकर सजगता जरूरी है, या जो लचीलापन या जो आस्था का जो उमड़ता सैलाब है उसके आगे से इग्नोर करना चाहिए? जी उमंग, यही है आपकी इन्हीं बातों में एक सवाल और आपने मुझे दिया है कि क्या आस्था के सैलाब को देखते हुए सजगता जरूरी है, या फिर आस्था के इस सैलाब को यूं ही बहने देना चाहिए। जैसा कि नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने तमाम गाइडलाइंस को खत्म कर दिया है, आदेश पारित कर दिए कि कुंभ में किसी को न्योता नहीं देते, लोग स्वेच्छा से आते हैं, अपने धर्म को देखते हुए आते हैं, और 12 साल में एक बार ये कुंभ आता है। लेकिन इसी कुंभ में हो सकता है उन राज्यों से भी लोग आए जहाँ पर कोरोना गंभीर स्थिति में वापस आ चुका है, तो अगर ऐसे में उन लोगों की टेस्टिंग नहीं होती है, वो भी और लोगों के साथ गंगा में स्नान करते हैं, लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, तो फिर जो मामले उत्तराखंड में 60 आ रहे हैं, क्या वो 600 नहीं हो सकते? गौरव जी, क्या इस बात का अंदेशा नहीं है? बिल्कुल, बहुत गहरी बात कही है उमंग जी आपने, और ये सिर्फ अन्य प्रदेशों से नहीं, अन्य देशों से भी लोग आ सकते हैं। कोरोना किसी देश की सीमा से बंधा हुआ नहीं है, ना ही कुंभ किसी देश की सीमा से बंधा हुआ है, तो यही सबसे बड़ी गंभीरता है। और आप ये देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी एक दिन के दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, और उन्होंने ये कहा कि आप, उन्होंने बचाव भी किया और कटाक्ष भी किया, उन्होंने कहा खतरे से खेलना होगा, आग से खेलना होगा, अगर आप कुंभ में बिना टेस्टिंग किए सबको नहाने की इजाज़त देते हैं, स्नान करने की बात करते हैं। मगर एक चीज़ और है साहब, देवभूमि जो है वो पर्यटकों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल आस्था का केंद्र है,
पर्यटन का केंद्र है, तीर्थाटन का केंद्र है। और पिछले अगर समय से कहा जाए, हमने अभी पिछले 4-5 महीनों में यहाँ स्नोफॉल के मामले, दूसरों के मामले, और पूरी पूरी तरह से ऐसी गैदरिंग देखी है, ऐसे बड़े बड़े इवेंट देखे हैं जिनमें कोरोना को लेकर अगर कहा जाए, मैं वही कह रहा हूँ, तीरथ सिंह रावत आस्था के भरोसे कोरोना की नैया पार करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, उनका कहना है कि ये देवभूमि है, यहाँ कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर कोरोना घातक है उमंग। अगर आज के मामले देखें और पूर्व कोरोना के टोटल डेथ के मामले देखें तो 1700 लोगों ने प्रदेश में जान गंवाई है कोरोना के कारण। ये भी एक फिगर है जो सरकार को समझना चाहिए। मगर मैंने आपको बताया कि 12 साल का कुंभ है, और एक बड़ी चीज ये भी है कि शायद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और देश के तमाम ऐसे लोग जो भारत सरकार चला रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो ये भी चाहते हैं कि बड़े लेवल पर साधु संतों की नाराजगी ना ली जाए। बड़े लेवल पर आप ये देख सकते हैं कि अयोध्या में जय श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद आस्था का कैसा मोड़ आया है, योगी आदित्यनाथ को कितनी मजबूती मिली है। और यही कारण है कि ये जो आस्था का जो महाकुंभ है उमंग, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरी देश की आस्था तय करता है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, शायद प्रदेश का कोई ऐसा जो स्थान होगा जहां से लोग ये आस्था की डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं। और अगर इस डुबकी से वंचित कर दिया गया तो हो सकता है 2022 और 2024 ये नुकसान होना पड़े। तो यही कारण है कि शायद अधिकारियों को अपनी डांट के हवाले केंद्र की मंशा पूरी करने में तीरथ सिंह रावत जुटे हुए हैं, क्योंकि अगर आस्था की डुबकी नहीं लगाई तो सरकार की नैया डूब सकती है। बिल्कुल गौरव जी, और जिस प्रकार से नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने ये आदेश जारी किए, उससे तो यही लगता है पूरे देश में इस समय 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, स्टार प्रचारक बीजेपी के वहां जाकर रैलियां कर रहे हैं, उन रैलियों में भीड़ जुट रही है। तो ऐसे में साफ है कि चुनावी नैया पार करने के लिए आस्था की डुबकी जरूरी हो गई, और ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो हो सकता है आगे जाके घातक सिद्ध भी हो जाए। फिलहाल आप हमारे साथ में बने रहिए, दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर चंद्रसेन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आपके पास मैं आऊंगा, पहले रुक कर लेते हैं प्रशांत का। प्रशांत, देश में एक बार फिर से पैर पसारता कोरोना और लापरवाह होती जनता और सरकार, क्या कहना चाहेंगे? जी उमंग जी, देखिए जो कोरोना जिस स्पीड से फैल रहा है देश में, निश्चित रूप से घातक है, और हालात वही बन रहे हैं जो पिछले साल बने थे। कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली में अभी हालात उतने गंभीर नहीं है जितने महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और पंजाब में, क्योंकि संक्रमण की दर आप देखिए 0.6% है, यानी 1% से भी कम है, और जो टेस्टिंग रेट है वो दिल्ली में 70,000 पर डे हो रहा है, और लास्ट ईयर की बात करें तो 15% तक पहुंच गया था, और वर्तमान में अगर बात करें महाराष्ट्र की तो 16.46% वहां पे रेट चल रहा है। तो आप निश्चित रूप से देखिए कि दिल्ली अभी बचा हुआ है, लेकिन जिस स्तर पर लोगों ने मास्क को छोड़ दिया है, सैनिटाइजेशन को छोड़ दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भूल गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया कि बिल्कुल 50% वाला नियम दोबारा लागू कर दिया है कि चाहे सिनेमा हॉल हो या अन्य कोई ऐसी जगह हो, 50% लोगों के साथ ही आपको अनुमति मिलेगी। लेकिन दिल्ली में अनुमतियां तो उसी हिसाब से मिल रही है, लेकिन चाहे शादी हो, चाहे पॉलिटिकल फंक्शन हो, भीड़ उस स्तर पर उमड़ रही है। आज भी देखिए जंतर मंतर पर बैंक कर्मियों का प्रदर्शन है, तो वहां पे भी काफी संख्या में भीड़ है। दिल्ली में लोग मास्क जबी लगा रहे हैं जहां उन्हें आशंका है कि 2,000 रुपए का उनका जुर्माना हो सकता है, चालान कट सकता है, अन्यथा कोई यहाँ पे ऐसी आवश्यकता समझ नहीं रहा है। जी उमंग जी, बिल्कुल प्रशांत आपने सही कहा कि लोग अब सिर्फ मास्क जुर्माने के डर से लगा रहे हैं, ना कि कोरोना के डर से। चंद्रसेन जी आपके पास आना चाहूंगा, देश में पैर पसारता कोरोना, लापरवाह होती जनता, सरकार, क्योंकि देश में चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में और आगे भी कई कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी इसी साल होंगे, अगले साल होंगे, तो ऐसे में सरकार एक बार को कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार को शायद भांपने या देखने का मूड नहीं बना रही है, उनके लिए चुनावी वैतरणी पार करना जरूरी हो गया है, क्या कहना चाहेंगे चंद्रसेन जी? कोरोना को लोगों ने गुजरे समय की बात मान लिया है, वो लोगों के लिए ही बहुत हानिकारक है। जिस तरह के आंकड़े आप देखिए पूरे देश में बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को कोरोना फिर से चपेट में हो रहा है, उसी तरीके से पूरे देश में लगा कि सेकेंड या थर्ड वेव के रूप में इसको देखना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में इसकी व्यापक तैयारी हो रही है। कल की अगर मैं बात करूं तो जो प्रमुख सचिव तिवारी जी है, उन्होंने सारे जो जिलाधिकारियों को जोड़ा और उनको निर्देश दिए गए कि जो भी एयरपोर्ट और स्टेशन से जो लोग आ रहे हैं वहां पर रैंडम उनकी जांच भी होनी चाहिए, और चीफ सेक्रेटरी ने खुद सारे डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कर लिया था
और उन्होंने कहा कि ये सेकेंड और थर्ड वेव के रूप में जिस तरीके से कोरोना उत्तर प्रदेश में के जिलों में संक्रमण बढ़ा रहा है उसके लिए सजगता और सतर्कता बहुत जरूरी है। उन्होंने कल जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर पूरी तरीके से सक्रिय रखें और ये सोच नहीं रहनी चाहिए कि कोरोना जो है कि खत्म हो गया है। और जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं आप देखिए पूरे देश में, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली की बात करें तो कोरोना के संक्रमण किस तेजी से वृद्धि हो रही है, ये अपने आप में आश्चर्यजनक और बहुत चिंताजनक बात है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा, वाकई में ये चिंताजनक बात है। और तमाम राज्यों से हम लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं, रुक कर लेते हैं राजस्थान का, राजधानी जयपुर से संवाददाता रहमतुल्ला खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रहमत, जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले हमारे साथ में डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़े थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया अगर कोरोना से जुड़ी हुई जो चार महत्वपूर्ण बातें हैं वो अगर हम नहीं अपनाएंगे, भले ही जनता के लेवल पर हो या फिर सरकार प्रशासन के लेवल पर हो, इस खतरे को अब ऐसे ही नजरअंदाज अगर करेंगे तो ये खतरा आगे जाके घातक हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे रहमत? बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के चार जो गाइडलाइन है इनको पालना करना बेहद जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो देखो अभी इन दिनों में चाहे कहीं भी भीड़भाड़ इलाके में को कम किया जाए, यहाँ पर जो पब्लिक है वो ज़्यादा जा रही है, चाहे शादियों का कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, कई जगह ऐसी है, चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम जो गाइडलाइन की पालना करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर पालना नहीं करेंगे तो लोगों के गले की आफत बन जाएगा ये कोरोना, और बन भी रहा है। प्रशासन का काम है गाइडलाइन जारी करना, लोगों को हिदायत देना, लेकिन उसको फॉलो करना जनता का काम है। जनता अगर प्रशासन का सहयोग नहीं करेगी, सरकार का सहयोग नहीं करेगी, तो सरकार और प्रशासन कैसे ही कोरोना को भगा पाएंगे। कोरोना को भगाना बहुत ही जरूरी है। पिछले दिनों अगर लॉकडाउन लगे थे उसके बाद में धीरे 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 रफ्तार कम भी हुई थी, अब अचानक ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी सब जगह लॉकडाउन हट गया था, बीच में भीड़भाड़ की जगह में लोग बहुत भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद फिर से अब जो है लॉकडाउन लगाए गए हैं, कई जिलों में लगाए गए हैं, महाराष्ट्र में लगाए गए हैं, राजस्थान में अभी सख्ती बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से अगर लोगों का जो रवैया रहा तो। लेकिन लोगों का काम काज भी जरूरी है, जितना ज़्यादा हो सके लोग घरों से बाहर नहीं निकले, घर पर ही ऑफिस का काम निपटाए, अगर ऑफिस का काम घर पर नहीं निपटा सकते ऑफिस जाए, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना बेहद जरूरी है उमंग। बिल्कुल रहमत, और राजस्थान के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहाँ सोमवार को 251 लोग कोरोना से संक्रमित मिले, 132 मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं, और राज्य में अब तक करीब 3.23 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, इनमें भी 3.17 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,790 मरीजों की मृत्यु हो गई है, और 2,572 ऐसे हैं जिनका कोरोना से इलाज चल रहा है। और देखा जा रहा है न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं अब फ्रंट वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मी भी वैक्सीनेशन से बच रहे हैं, और अगर उनका यही हाल है तो आम जनता भी उन्हीं की देखा देखी वैक्सीनेशन करवाने जा ही नहीं रही। उनको एक अनजाना डर सता रहा है कि पता नहीं इस वैक्सीनेशन के बाद में क्या कुछ हो जाए, अभी तक तो हम ठीक ठाक हम बचे हुए हैं आयुर्वेदिक दवाओं की वजह से या फिर जो भी घरेलू नुस्खे हैं उनकी वजह से, वैक्सीनेशन से एक अनजाना सा डर जनता में अब आ चुका है। रहमत, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी अधिकारी और जो नेता है, सत्ता के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो आम जनता में खौफ ज़्यादा पैदा होगा और ज़्यादा बढ़ेगा भी, ताकि क्या है कि लोग अवेयरनेस नहीं कर पाएंगे, वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, इससे नहीं लगेंगे तो कोरोना की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर पिछले अब तक को 3.25 लाख से ज़्यादा जो संक्रमण राजस्थान में हो चुका है, अभी वैक्सीनेशन को लेकर अभी गाँव जाकर के जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ है वो वैक्सीनेशन कर रहा है। अगर कई जगह ऐसी भी बातें सामने आई कि नेताओं को, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी को या अन्य दल के नेता हो या फिर सरकारी अधिकारी कर्मचारी, कुछ जगह वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, इस नहीं करवाएंगे तो फिर लोगों में इसका भय ज़्यादा फैलेगा और लोग वैक्सीनेशन कराना बंद करवा देंगे, इससे कोरोना की रफ्तार और बढ़ जाएगी और भयंकर बीमारी फैल जाएगी। तो वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी विशेषकर ध्यान दें, लोग उनकी देख जब वो वैक्सीनेशन करवाएंगे उनकी देखा देखी, वो गांव वाले व्यक्ति है चाहे शहरों वाले व्यक्ति है, लोग आम जनता भी वैक्सीनेशन करवाएगी, इससे कोरोना पर लगाम लग सकेगा। अभी तक गांव
इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्र तक वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन करवा रहे हैं लोग, वैक्सीन पहुंच चुकी है, वहां पर लगातार ये कैंप लगाए जा रहे हैं, कई जगह मांगे स्कूलों में भी मांग आ रही है, कई जगह कॉलेजों में मांग आ रही है वहां पर वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जाए। राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक नेता है, उनको इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। जिस तरीके से वो गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के वोट मांगते हैं, उसी प्रकार गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। विशेषकर अभियान चलाना चाहिए राजनीतिक दलों को, ताकि लोग जागरूक हो और वैक्सीनेशन करवाएं और कोरोना से निपटारा कोरोना से निपट सके। इसके लिए राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो जिस तरीके से वोट मांगने के लिए कैंप लगाते हैं, अभियान शुरू करते हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाते हैं, बूथ लेवल तक लोगों को जागरूक करते हैं, उसी तरह वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल रहमत, आपने बिल्कुल सही यहाँ पर एक बात यहाँ पर बताई है कि जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावों के समय एक एक घर पर जाती हैं, वोट मांगती हैं, बूथ लेवल तक जाती हैं, पंचायतों का आयोजन वहां पर किया जाता है, सभाओं का आयोजन किया जाता है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों को भी अपनी अब सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति और कोरोना की गाइडलाइंस के प्रति भी जागरूक करना बेहद जरूरी है। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, गौरव जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से कोरोना गाइडलाइंस को लेकर और विशेष तौर पर कुंभ के लिए कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक ठनक सी देखी जाएगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने बहुत गहन चिंतन करने के बाद में, स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरीके से विचार विमर्श करने के बाद में कुंभ को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी, अब वो अगर सारी गाइडलाइंस हटा दी गई हैं तो आगे जाकर इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और नए मुख्यमंत्री, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी है कि वो सब कुछ झेलने को तैयार है, डांट भी झेलने को तैयार है, लेकिन कुंभ के ऊपर कोरोना की छाया नहीं पड़ने देना चाहते आस्था के भरोसे। क्या कहना चाहेंगे गौरव जी? देखिए, इस एक बात को तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा उमंग, कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कोरोना की हर गाइडलाइन को इग्नोर करना चाहते हैं धीरज जी। जी जी, धीरज जी की जिस तरह की बैठक हुई थी, उस बैठक में मैं लगातार मौजूद था, कल भी मैं सीएम के साथ करीब 1.5 घंटे सेफ हाउस में था, लगातार मेरी ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हुई। पूरी तरह से अगर बात करी जाए, उनका एक साफ तौर पर कहना है तीरथ सिंह रावत का, कि हम मतलब कोरोना के भय के कारण आस्था को भी मतलब जो है ऐसा नहीं कि लोगों से दूर कर दें। सबसे पहला उनका ये कहना है कि पब्लिक सेंटीमेंट्स, उनका कहना है कि साधु संत का जुड़ाव, उनका कहना है कि महामंडलेश्वरों का उत्साह, ये सब कुछ कुंभ से है। इलाहाबाद कुंभ सबने देखा था, कोरोना की छाया नहीं थी। मौजूदा समय में महाकुंभ है, 1 से 30 तारीख का जो सेंट्रल का गाइडलाइन है कि आप कुंभ करा लीजिए, उसके तहत जो 3 शाही स्नान हैं 12, 14, 27। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ को वो इग्नोर करने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप हरिद्वार में आ गए हैं, हरिद्वार में आप आ रहे हैं तो, और आने के बाद अगर आप आस्था की डुबकी लगाने के लिए, मैं यहाँ पर अगर कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता कर देता हूँ, मैं यहाँ निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता कर देता हूँ तो दिक्कत होगी। उनका ये कहना है कि साहब, इस समय अगर कोई भी आदमी हवा में उड़कर हरिद्वार नहीं आएगा, उनका कहना है कि कोई भी आदमी, चाहे वो दिल्ली से आएगा, उत्तर प्रदेश से आएगा, हरियाणा से आएगा, झारखंड से आएगा, जहाँ से भी आएगा, वहाँ भी वो कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। उनका ये कहना है कि इस एक साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रयास ने लोगों को अवेयर किया है, और इतना अवेयर किया है कि अगर उनको अस्वस्थ हैं, उनको खांसी बुखार जुकाम है, तो वो व्यक्ति घर से ही नहीं निकल रहा है, तो वो आस्था की डुबकी लगाने क्यों आएगा। उनका कहना है कि भारत का हर व्यक्ति इतना जिम्मेदार व्यक्ति है कि वो भी जानता है कि साहब इस समय और पूरे एक साल घर में रहकर या बाहर या चीज़ों को, हर आदमी ये जानता है कि टेस्ट क्या होता है, हर आदमी ये जानता है कि कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं। ऐसे में अगर मैं ठोस अनिवार्यता लगा दूं, क्योंकि जो महाशिवरात्रि के जो शाही स्नान में उमंग देखा गया, वो ये देखा गया कि पुलिस जो है वो लकीर की फकीर होती है, व्यवस्था अधिकारी जो है वो लकीर का फकीर है। अगर उनको वहां पर ये कह दिया गया कि साहब कोरोना की रिपोर्ट दिखाइए, और जिस व्यक्ति पर भी कोरोना की रिपोर्ट नहीं होगी तो उसको स्नान नहीं करना दिया जाएगा, तो उनका ये कहना है कि इस कारण से अव्यवस्था होती है। उनका साफ तौर पर जो मैं पूरी मगर अब मैं बताऊं, जो आपका सवाल था उमंग, कि त्रिवेंद्र और तीरथ आमने सामने हैं, वो बिल्कुल हैं। आप ये समझ लीजिए कि त्रिवेंद्र लगातार जो सरकार के तीरथ सिंह रावत फैसले पलट रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उससे दुखी भी हैं। रातों रात उन्हें हटाया गया, खुश तो वो वैसे ही नहीं होंगे, मगर तीरथ सिंह रावत ये चीज़ें साधना चाहते हैं कि कम समय है उनके पास,
कुंभ सबसे बड़ी चुनौती है, इसके बाद चार धाम यात्रा चुनौती है, उसके बाद उपचुनाव चुनौती है, मगर सबसे नजदीक अगर कुछ है आज मुश्किल से 15 दिनों के बाद से ऐलान हो जाएगा। कल ही का मैं एक आपको सरकारी जो उनका निर्णय बताऊं कि उन्होंने 9 और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की कुंभ में नियुक्ति की है, और ये सभी अलग अलग जिलों के बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिन्होंने कुंभ में काम किया है, लेकिन लंबी फौज लंबी चीजें वहां पर हैं, तो एक अव्यवस्था ना हो पाए ये तीरथ जी का प्रयास है। वो पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहते, हाँ ये जरूर कहना चाहते हैं कि हाँ अधिकारियों में पुलिस में ये ना हो कि साहब ये चीज चाहिए तभी आप दर्शन करेंगे या डुबकी लगाएंगे, तो इन चीजों को इग्नोर करने की बात हो रही है। और उमंग ये भी आप जानते हैं कि कुंभ भी जरूरी है ना जी, तो बाकी आप समझ सकते हैं कि हाँ ये जिस तरीके के मामले आ रहे हैं जिस तरीके की चीजें हैं उससे भी है। मैंने आपको अभी ताजा उदाहरण बताया उमंग कि मसूरी में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, पर्यटकों को आने नहीं दिया जा रहा है, अगर आप नियम के आड़े आ गए और मान लीजिए 20 से 30 जो है एकदम नए मामले आ जाएं, तो वहां पर आप भी जानते हैं तुरंत लॉकडाउन की व्यवस्था की जाती है, सील करने की व्यवस्था की जाती है, तो आप कोरोना में कुंभ करा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि केंद्र से वो बात करेंगे, डांट खानी होगी तो वो अमित शाह मोदी की डांट खा लेंगे, मगर अधिकारियों से ये कह रहे हैं कि आप किताबें पढ़ो, आप व्यवस्था को ठीक करो, जनता को मैं पढ़ूंगा, डांट खानी होगी मैं खा लूंगा। जी उमंग, बिल्कुल गौरव जी आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं आस्था की इस डुबकी के बीच कोरोना का बढ़ता खतरा भी ध्यान देना हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर अब ये देखने वाली बात होगी कि कुंभ के आयोजन के खत्म होने के बाद में क्या कुछ स्थिति होती है कोरोना की, क्या तीरथ सिंह रावत जी अपने आप को सही साबित कर पाएंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। चंद्रसेन जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, उसके बाद रुख करेंगे प्रशांत का। जिस प्रकार से चंद्रसेन जी पूरे देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जनता लापरवाह हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में जैसे कि अभी आपने भी बताया कि सरकार और प्रशासन सचेत है, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो चुकी, लेकिन देखा जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाहियां बरती जा रही हैं। कुछ लोग जो वाकई में चिंतित हैं अपने और अपने परिवार और राज्य और देश के प्रति, वो तो जा रहे हैं, स्वेच्छा से जा रहे हैं, भले ही वो फ्री का वैक्सीनेशन हो या फिर 250 रुपये देकर हो, लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकतम लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वैक्सीनेशन को लेकर सहमे हुए। इस बारे में सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या किसी भी स्तर पर सरकार लोगों को जागरूक कर रही है ताकि लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हों और कोरोना के इस खतरे को टालने का प्रयास करें, सरकार का सहयोग करें। चंद्रसेन जी, उमंग जो कल चिंता जताई गई थी बैठक में वो इसलिए जताई गई थी क्योंकि यूपी में 151 केस कोरोना के मिले, हालांकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 98.25 है, लेकिन जिस तरीके से आम जन में लापरवाही है, वो ना मास्क लगा रहे हैं ना सैनिटाइजेशन पहले जैसा कर रहे हैं, बाजार स्टेशन आप देखिए पूरी तरीके से भीड़ उमड़ी, क्योंकि आने वाले समय में होली का त्यौहार है तो भीड़ जो बहुत ज्यादा बाजारों में है। लेकिन वैक्सीनेशन की बात करें तो कल सरकार ने ये कहा कि 10 बड़े अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले जो बुजुर्ग हैं उनको 100% टीकाकरण करा दीजिए, वो किसी भी बीमारी के लिए आए हैं लेकिन अगर उनकी उम्र है और वो बुजुर्ग हैं तो 10 बड़े अस्पतालों को कल ओपीडी में कल से टीका लगना ये शुरू हो जाएगा। जितने भी नए केस में संपर्क में आने वाले लोग हैं उसकी जांच होगी। और एक 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 नया फैसला और अच्छा फैसला लिया गया, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उन्होंने ये कहा स्वास्थ्य विभाग ने कि जहां पर भी एक मरीज भी पाया जाएगा उसके घर के 50 मीटर के दायरे में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा, जो कि पहले था लेकिन बीच में लापरवाही हुई स्वास्थ्य विभाग की ओर से और आमजन के लोगों में भी लापरवाही हुई, लोगों ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया और ये कहा कि वैक्सीनेशन आ गया है तो कोरोना का संकट दूर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्च से जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए पूरे देश में जो हलचल मची, तो उत्तर प्रदेश में भी कल बड़ी बैठक की गई, उसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। उसमें यह भी कहा गया कि जैसे स्टेशन बस स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो पुलिस बल की तैनाती जिन लोगों के साथ में है वहां पर उनकी भी सैंपलिंग करिए, और जितने भी हॉस्पिटल हैं जैसे क्लिनिक हो गए, डायलिसिस सेंटर हो गए, अस्पताल हो गए, इनके स्टाफ की भी टारगेट से टेस्टिंग होनी चाहिए, और मास्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनको स्पेशली तौर पर कड़े आदेश दिए गए हैं कि अब इनके ऊपर जुर्माना जरूर वसूला जाए। आप देखिए 10% लोग ही घर से निकल रहे हैं, वो मास्क लगा के निकल रहे हैं, तो इस तरीके की जो लापरवाही वो ठीक नहीं, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव है और जिस तरीके से पूरे देश में बढ़ रहा है तो यूपी का आंकड़ा बता रहा है कि कोरोना किस तरीके से यूपी में पैर पसार रहा है और शासन और प्रशासन से सचेत हुए हैं और वैक्सीनेशन की ओर विशेष ध्यान दिया गया कि जो लोग अभी उस 60 साल की उम्र के ऊपर बचे हुए हैं वो किसी भी बीमारी के लिए ओपीडी में आते हैं तो
तो उनको वैक्सीनेशन जरूर कर दिया जाए। बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और जरूरी भी है वैक्सीनेशन इस समय, जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रही है, तो जनता को भी थोड़ा इस ओर ध्यान देना होगा। प्रशांत, आपके पास मैं आना चाहूंगा, समय हालांकि इजाजत नहीं देता है, फिर भी बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव है, सरकार हालांकि कोरोना के प्रति लोगों को सचेत कर रही है अपने अपने तरीके से, भले राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, लेकिन फिर भी रैलियों पर रैलियां हो रही हैं, क्या नहीं आपको नहीं लगता कि इन रैलियों की संख्या पर भी थोड़ा सा ध्यान अब देना पड़ेगा तमाम पार्टियों को भी, क्योंकि कोरोना पार्टी देखकर नहीं बल्कि भीड़ देखकर फैलता है। प्रशांत जी, उमंग जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोरोना ना पार्टी देखता है ना धर्म देखता है, वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना नहीं करेंगे वहां अपने आप फैल जाता है। तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टियों को भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं, कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक लेंगे, जिसमें कोरोना के ऊपर चर्चा होगी कि जिस गति से देश में कोरोना फैल रहा है उस पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। और उसमें दो महत्वपूर्ण विषय सामने आ सकते हैं, एक तो वैक्सीनेशन की जो दर है वो बढ़ाई जाए। हर राज्य से मांग की जा रही है कि जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार को भी वैक्सीन ज्यादा कराना चाहिए, वैक्सीन की डोज उपलब्ध करानी चाहिए राज्यों को, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ानी चाहिए। और दूसरी चीज, होली आने वाली है और होली मिलन समारोह देश भर में आयोजित होने वाले हैं, सिर्फ बिहार सरकार ने अपने स्टेट में इस पे रोक लगा दी है, तो कल हो सकता है इस पे भी कोई फैसला हो कि केंद्र सरकार बात। लेकिन माफ कीजिएगा प्रशांत, बीच में मैं इंटरप्ट करूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन इन मिलन समारोह पे रोक लगा पाएगा? क्योंकि लोगों के पास में एक बहुत बड़ा रीजन है सरकार को, प्रशासन को जवाब देने के लिए कि आप तो इतनी ताबड़तोड़ रैलियां आप कर रहे हैं, अपनी रैलियों में आप जबरदस्त भीड़ जुटा रहे हैं, आपके लोग, आपके कार्यकर्ता इन रैलियों में भीड़ लाने के लिए लगे हुए हैं, और आप हमें मना कर रहे हैं हमारे आयोजनों के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर जनता और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति भी बन सकती है? जी उमंग जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार कह रही है कि बिहार में ये लग गया है, उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और केरला, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तो उसे देखते हुए वो यहाँ घोषणा कर सकती है। लेकिन जनता के पास बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बंगाल में जिस हिसाब से रोड शो रैलियां हो रही है, या फिर किसान आंदोलन को भी हम नोटिस कर सकते हैं, दिल्ली की बॉर्डर पे जिस हिसाब से किसान बैठे, तो वो कह सकते हैं कि इन्हें पहले रोकिए। लेकिन कल कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं प्रधानमंत्री की बैठक में। जी उमंग जी, बिल्कुल प्रशांत आपने सही कहा, कल होने वाली बैठक कोरोना को लेकर, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर, और उन तैयारियों के बीच में कोरोना गाइडलाइंस का किस प्रकार से पालन करना है। आने वाला एक बहुत बड़ा त्यौहार यहाँ पर आ रहा है, होली का त्यौहार है, जैसा कि अभी आपने भी बताया, उस कई जगह इन होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी गई है, और जाहिर सी बात है कि अब आने वाला वक्त कोरोना को लेकर काफ़ी गंभीर है, इसीलिए न सिर्फ सरकार और प्रशासन बल्कि जनता से भी न्यूज़ इंडिया के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को हमारी यही अपील है कि कृपया कोरोना को लेकर लापरवाह ना हो, वापस से इस ओर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य है यानी कि जान है तो जहान है, और 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, इस स्लोगन का पूरी तरीके से ध्यान दें, इसे नजरअंदाज किसी भी कीमत पर ना करें। हमारे साथ में जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का, उत्तराखंड से गौरव गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश से चंद्रसेन वर्मा जी, दिल्ली से प्रशांत, राजस्थान की राजधानी जयपुर से रहमतुल्ला खान, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है और ध्यान देने वाली बात भी यह है कि देश में एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, अभी तो ये महाराष्ट्र में खतरनाक स्थिति में, और वो दिन दूर नहीं अगर हम ऐसे ही लापरवाह रहेंगे, सभी प्रकार की सावधानियां नहीं बरतेंगे, तो हो सकता है हमारे राज्य में भी, हमारे शहर में भी कोरोना एक बार फिर से वही रफ्तार पकड़ ले जो हमें डराने के लिए काफ़ी हो। इसलिए ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस स्लोगन को अभी तो भूलने का बिल्कुल भी सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि कोरोना इसी वजह से रफ्तार पकड़ रहा है। हमारी इस चर्चा में आज के लिए इतना ही, देश प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।